Next one. कॉन्स्टिट्यूशन। अब बहुत सारे क्लिनिक जो है और बहुत सारे मरीज सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इलाज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया और इसके अंदर जो मिनरल और सॉल्ट है वो आपकी साख के अंदर मौजूद है, वो कैल्शियम है, वो सल्फर है, वो गोल्ड है, वो लोहा है, ये सारी आपकी साख का हिस्सा है। और जो मैन्युफैक्चरिंगली जो पैदा होते वक्त, जो फर्टिलाइजेशन के वक्त जो एलिमेंट आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया कंपोजिशन के लिहाज से, वो आपका माइंड और आपका फिजिकल एंड मेंटल बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। फर्ज करें आप कैल्शियम कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं, कैल्केरिया कार्ब की कॉन्स्टिट्यूशन, तो कैल्केरिया कार्ब कैसा होता है? उसके हाथ पांव ठंडे होंगे, वो फ्लैबी होगा, उसको स्वेटिंग होती होगी, पिलपिला होगा, ठीक है ना। उसकी बोन जब आप उसको शेक एंड करेंगे तो ऐसे होगा कि आपने हाथ किसी रूई में रखा है। ये उसकी एक खाना वो पसंद करेगा क्या? बिहेवियर आ गया उसका। मीट खाना पसंद करेगा, बिहेवियर आ गया उसका। चाक मिट्टी खाना करेगा, बिहेवियर आ गया उसका। और स्लगेश होगा, पड़ा रहेगा, माइंड आ गया उसका। तो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैल्केरिया कार्ब। अब स्लेशिया आ गए, सख्त चिल्ली है बॉडी का बिहेवियर शो, सख्त चिल्ली है, ये भी चिल्ली है, वो भी चिल्ली है। गर्मियों में कम्बल ओढ़ता है, पेट उसका बड़ा हुआ है, सर उसका बड़ा है, वो स्लेशिया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। तो हमारी 48 से ज्यादा मेडिसिन जो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल है, तीन बड़े कॉन्स्टिट्यूशन, सोरेट, फर्स्ट इज द सोरेट कॉन्स्टिट्यूशन, कार्बोनेटम कॉन्स्टिट्यूशन, कैल्शियम कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉस्फोरिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये बाकी जितने पहले, ये जैसे दुनिया में कितनी नस्लें हैं, अफ्रीकन गोरे, ये जो चाइनीज ब्रीड है और हम एशियन, चार बड़ी नस्लों से मिलकर कितनी आगे नस्लें बनती, इसी से तीन बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, जिसको उसने कहा हाइड्रोजनाइट, कार्बो ऑक्सीजनाइट, एक और जगह ऑक्सीजनाइट, हाइड्रोजनाइट और कार्बो कार्बोजनाइड है। इस तरह का तीन मैन कॉन्स्टिट्यूशन किस पॉइंट से चला गया? मैथमेटिक लेवल से, एक से प्लस 16 से। और वो ये कहता है कि सोरेक कॉन्स्टिट्यूशन है कार्बोनेटम एंड फास्फोरिक। अब उसके आगे 48 50 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे पास मेडिसिन मौजूद है, साख्ती अद्वियात मौजूद है। कौन सी साख्ती अद्वियात है? मसल सल्फर। और ये ध्यान में रखें कि मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का तलक मिनरल से होगा, साल्ट से होगा और मेटल से होगा, ये भी ध्यान में रखें कि उनका तलक मिनरल से होगा, मेटल से होगा और साल्ट से होगा, क्योंकि मैटर फना नहीं होता। बहुत
कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी मिलेंगी जैसे लाइकोपोडियम जो प्लांट से आ, ये अपना लेबल कर लेती है, ये अपनी दाग बैठा लेती है जो प्लांट्स की तरफ से या म्याजम की तरफ, वो शामिल होकर कॉन्स्टिट्यूशनों की शक्लें और मजीद बना देंगी।